Good morning, dear students. Today I am going to explain you your chapter number 5, next topic, that is creating a presentation. Whenever you start a new project in PowerPoint, you will need to create a new presentation. जब कभी भी आप presentation बनाते हो PowerPoint के अंदर, तो सबसे पहले आपको एक नई presentation बनाने की ज़रूरत है. तो आइए हम देखेंगे किस तरीके से आप new और blank presentation को create कर सकते हो. उसके steps हैं, steps number 1, click the file tab. This takes you to backstage view. सबसे पहले आपने file tab पर क्लिक करना है. जैसे ही आप file tab पर क्लिक करोगे, यहाँ पर डायग्राम पे नज़र आ रहा है, ये है आपका backstage view. फाइल टैब पर क्लिक करते ही आपका बैकसाइज व्यू नज़र आएगा, अदरवाइज़ बैकसाइज व्यू नज़र नहीं आता है. फाइल टैब के बाद आपने लेना है न्यू, लाइक डायग्राम में भी शो कर रखा है फाइल. फाइल के बाद आपने जाना है न्यू पर. सेलेक्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन. आफ्टर दैट येलो कलर में यहाँ पर सेलेक्ट है ब्लैंक प्रेजेंटेशन. ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपको कहाँ मिलेगा? अंडर अवेलेबल टैंपलेट्स एंड थीम्स. यहाँ पर यह लिखा हुआ है अंडर अवेलेबल टैंपलेट्स एंड थीम्स, इसके अंदर आपको मिलेगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन. इट विल बी हाईलाइटेड बाई डिफ़ॉल्ट. जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ये हाईलाइट हो जाएगा. यहाँ पर यह येलो कलर में सेलेक्ट हो गया. क्लिक क्रिएट. उसके बाद यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है, आपने यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है. जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपीयर्स इन द पावर पॉइंट विंडो. एक नई प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट विंडो में आपको नज़र आ जाएगी. क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग सैम्पल टैम्पलेट्स. ये तो हमने अभी पढ़ा कि फाइल टैब को यूज़ करके किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं. सेकंड ऑप्शन है आपके पास सैम्पल टैम्पलेट्स को यूज़ करके प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं. टैम्पलेट इज़ ए रेडी टू यूज डिज़ाइन ऑफ ए प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन के अंदर जो ऑलरेडी आपको डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं उसको हम बोलते हैं टैम्पलेट. फॉलो द गिवन स्टेप्स. और स्टेप्स देखेंगे हम इसके लिए. डायग्राम में डायरेक्ट यहाँ पर स्टेप्स आपको बता रखा है. फर्स्ट स्टेप है आपके पास क्लिक ऑन दी फाइल टैब. फाइल टैब पर जाएंगे. सेकंड ऑप्शन क्लिक ऑन द न्यू, अगेन न्यू पर जाएंगे. थर्ड क्लिक ऑन सैम्पल टैम्पलेट्स. अब ब्लैंक टैम्पलेट्स की जगह हम क्या लेंगे? सैम्पल टैम्पलेट्स. थर्ड स्टेप पर हमने सैम्पल टैम्पलेट्स ले लिया. कम टू द नेक्स्ट पेज. स्टेप नंबर 4, सेलेक्ट इंट्रोड्यूसिंग पावर पॉइंट 2010. यहाँ से हम ले लेंगे सेलेक्ट इंट्रोड्यूसिंग पावर पॉइंट 2010. आफ्टर द स्टेप नंबर 5, क्लिक ऑन क्रिएट. क्रिएट पर क्लिक करेंगे. क्रिएट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो एक प्रेजेंटेशन आ जाएगी और ये सारे डिज़ाइन अपने आप बने हुए यहाँ पर आएंगे. तो इंसर्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट टू द स्लाइड. जिस भी स्लाइड के अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है वहाँ पर क्लिक कीजिए और अपने टेक्स्ट को टाइप करना शुरू कीजिए. उसके बाद है आपके पास द टैम्पलेट सेलेक्टेड अबव हैज़ 20 स्लाइड. जो टैम्पलेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है इसके अंदर 20 स्लाइड्स है और हर एक स्लाइड्स के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड्स एंड लेआउट्स हैं. एंड लेआउट्स यू ओनली नीड टू इंसर्ट द डिज़ायर टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर. आपको प्लेस होल्डर में सिर्फ टेक्स्ट को लिखना है एंड योर प्रेजेंटेशन विल बी रेडी. सिर्फ आपने लिखने का काम करना है. डिजाइनिंग, कलरिंग, बैकग्राउंड, ये सब आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा. इस तरीके से आप आसानी से और जल्दी से अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग थीम्स. टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग थीम्स. वट इज थीम? थीम इज अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड फॉर्मेट दैट इंक्लूड टेक्स्ट, लेआउट, बैकग्राउंड एंड कलर थीम. थीम क्या है? पहले से डिफाइन किया हुआ एक फॉर्मेट है जिसके अंदर टेक्स्ट भी होता है, लेआउट्स भी होते हैं, बैकग्राउंड भी होते हैं, कलर भी होते हैं. विच कैन बी अप्लाई टू एनी प्रेजेंटेशन. जिसे आप किसी भी प्रेजेंटेशन में अप्लाई कर सकते हैं. MS PowerPoint comes with various built-in themes. PowerPoint के अंदर बहुत सारे थीम्स होते हैं. पावर पॉइंट के अंदर बहुत सारे थीम्स होते हैं. अ थीम कैन बी अप्लाई टू ऑल द स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन. एक थीम को आप सभी स्लाइड्स पर प्रेजेंटेशन में अप्लाई कर सकते हो और जस्ट टू अ सिंगल स्लाइड, या अपनी मर्जी के हिसाब से एक सिंगल स्लाइड पर भी अप्लाई कर सकते हो. तो स्टेप्स देखेंगे हम. फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द फाइल टैब. सेकेंड स्टेप क्लिक ऑन न्यू. थर्ड स्टेप क्लिक ऑन थीम्स एंड फोर्थ स्टेप क्लिक ऑन थीम ऑफ योर चॉइस. जैसे ही आप थीम पे क्लिक करोगे थीम की लिस्ट खुल जाएगी. यहाँ से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग थीम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 गिवन है, गलत है, यहाँ पर आएगा पॉइंट नंबर 5. क्लिक ऑन क्रिएट. अ स्लाइड विद सेलेक्टेड थीम इज़ क्रिएटेड. जिस स्लाइड को आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर वो थीम अप्लाई हो जाएगा और वो थीम के साथ वो स्लाइड वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट पेज पर है आपके पास. अप्लाइंग थीम्स टू अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन. थीम को एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे कैसे अप्लाई करेंगे? यू कैन ऑल्सो अप्लाई थीम्स टू अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन. इसके लिए हम स्टेप देखेंगे. फर्स्ट स्टेप क्लिक ऑन फाइल टैब. सेकंड क्लिक ऑन न्यू. थर्ड क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन. अगेन हमने यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है. आफ्टर दैट क्लिक ऑन क्रिएट. क्रिएट पर क्लिक करेंगे ताकि ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपकी ओपन हो जाए. ब्लैंक प्रेजेंटेशन जब आपकी ओपन हो जाए तो हम चलेंगे डिज़ाइन टैब पर. क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब. डिज़ाइन टैब पर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल थीम्स आपको नजर आएंगे.
उसके बाद आपने क्या करना है, क्लिक ऑन दी ड्रॉप डाउन एरो, और भी बहुत सारे थीम्स को देखना है तो इस एरो पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सारी लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी थीम को सेलेक्ट कर लीजिए, वो आपकी स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है।